मैं किशनगढ़ बोल रहा हूँ, अजमेर ज़िले का हृदय किशनगढ़। मैं वही किशनगढ़ हूँ जिसे मार्बल मंडी के नाम से जाना जाता है। किशनगढ़ जो खोड़ा गणेश जी धाम के रूप में विख्यात है, वही किशनगढ़ जिससे मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर सत्यवादी वीर तेजाजी की बलिदान स्थली सुरसरा विद्यमान है। हालांकि आज मुझे मार्बल नगरी के रूप में जाना जाता है, परंतु मेरा भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। मेरी स्थापना राजा किशन सिंह ने 1611 में सेठोलाव के राजा राव दूदा को हराकर कृष्णगढ़ राज्य की स्थापना की, जिसे कालांतर में किशनगढ़ कहा जाने लगा। मेरे यहाँ 1611 में स्थापना से लेकर आज़ादी तक कुल 19 राजाओं ने राज किया। मेरे यहाँ प्रसिद्ध शासकों में सावंत सिंह हुए, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना राजपाट त्याग दिया और वृंदावन में जाकर रहने लगे। इन्होंने अपना नाम नागरीदास रख लिया। इनकी प्रेमिका का नाम बनी ठनी था। इन्हीं के शासनकाल में महान चित्रकार मोरध्वज निहालचंद हुए, जिन्होंने किशनगढ़ चित्र शैली की शुरुआत की और बनी ठनी पेंटिंग बनाई, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। यहीं पर 1649 में राजा रूप सिंह ने किशनगढ़ के किले का निर्माण करवाया, जो स्थापत्य कला में राजपूत और मुगल शैलियों का सम्मिश्रण है। इस किले में प्रवेश प्रतिबंधित है, केवल होटल फूल महल पैलेस में रहने वाले मेहमान ही जा सकते हैं। 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण में किशनगढ़ राज्य का विलय राजस्थान संघ में कर दिया गया और किशनगढ़ राज्य को राजतंत्र से छुटकारा मिला। अब बात करेंगे सुंदर और आकर्षक दिखने वाली गोंदोलाव झील की। पुराना शहर किशनगढ़ और नए शहर मदनगंज के बीच गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ के सामने गोंदोलाव झील स्थित है। वर्तमान में झील आगंतुकों के लिए नौका विहार और मछली खाना मुख्य आकर्षण है। वहीं पुराने रेलवे स्टेशन व साउतर के नज़दीक हमीर सागर नामक झील स्थित है। आज मुझे औद्योगिक, व्यापारिक, शिक्षा, साहित्य व धर्म की नगरी के रूप में जाना जाता है। मेरे यहाँ अन्य आकर्षण के रूप में अमरनाथ का पशु मेला, बालाजी मेला, तेजाजी का मेला सुरसुरा और गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। इसके अलावा मेरे यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में पीताम्बर की गाल, सूख सागर नवग्रह मंदिर, सुग्रीव मंदिर, खोड़ा माता, उदयपुर का बंदा, श्रीनाथ मंदिर, खोड़ा गणेश मंदिर, महादेवरा की पार्वती अम्मा का मंदिर, रूप श्याम का मंदिर, रामलला का मंदिर, जगत गुरु निम्बार्क पीठ सलेमाबाद, निम्बार्क पीठ काचरिया, किशनगढ़ दुर्ग, रूपनगढ़ दुर्ग, फूल महल हेरिटेज होटल, मोखन विलास, नागरीदास स्थली सहित अन्य पर्यटन स्थल स्थित है। मेरे यहाँ मुख्य स्थानों में पुराने मिल चौराहा, तिलक कॉम्प्लेक्स, कटला बाजार, सब्जी मंडी, सरवड़ी गेट आदि है। यदि आप मेरे यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं, तो हवाई यात्रा के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट बना हुआ है, जहाँ से प्रतिदिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि शहरों के लिए उड़ानें भरी जाती है। रेल यात्रियों के लिए किशनगढ़ रेलवे स्टेशन उपलब्ध है, जहाँ लगभग सभी मुख्य यात्री गाड़ियों का ठहराव है। बस यात्रियों के लिए किशनगढ़ शहर के बाहर की तरफ NH 8 से सटा हुआ बस स्टैंड बनाया हुआ है, जहाँ से देश भर के शहरों के लिए बस सेवा उपलब्ध है। मेरे यहाँ बोई जाने वाली फसलों में गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, चना, गवार, तिल आदि है। मेरी इस मिट्टी में पैदा हुए हजारों जवान आज भारत की सीमाओं पर रात दिन पहरा दे रहे हैं। तो यह था मेरा स्वर्णिम इतिहास। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट अवश्य करें। और यदि आप किशनगढ़ यात्रा कर चुके हैं या यहाँ के निवासी हैं, तो हमें बताएं कि कौन सी प्रसिद्ध जगह है जिसको इस वीडियो में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।